नमस्कार, मैं हूं असीम कुमार दुबे। पुरविया ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आ रही है नालंदा से, जहां कैनरा बैंक से 40 लाख रुपए के लूट अपराधियों ने किए हैं। हथियारों से लैस तीन लुटेरों ने लूटी रकम। सोहर सराय की शाखा से लूटे 40 लाख रुपए। लुटेरे के तलाश में छापेमारी जारी है। सबसे बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां कैनरा बैंक से 40 लाख रुपए की लूट हुई है। हथियारों से लैस तीन लुटेरों ने लूटी रकम। सहसराय शाखा से 40 लाख रुपए की रकम लूटी गई है। इस पूरे खबर पर हमारे साथ दीपक विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या है पूरा मामला? देखिए असीम, ऐसा है कि जो ही अभी बैंक की शाखा खुली थी, उसी वक्त हथियारों से लैस तीन लुटेरे अंदर दाखिल हुए और जाने के बाद जो महिला कैशियर है उसको हथियार का भय दिखाकर जो सेफ में रखे हुए थे बैंक के रुपए, वो सारे रुपए को बैग में डालने के बाद बड़े ही आराम से ये लोग वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही जो सोसराय थाना पुलिस से और बावर थाने की पुलिस वहां पे पहुंची, लेकिन तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलने के बाद नालंदा के SP विवेकानंद भी वहां मौके वारदात पे मौजूद हैं। बैंक के और कर्मियों से पूछताछ की जा रही है और CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है कि आखिर ये तीन शख्स ने किस तरह से इस पूरी घटना की को अंजाम दिया है। असीम, इस खबर पर आप नजर बनाए रहिए। दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां NH 139 पर हाईवा और बोलेरो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना नगर थाना के रामाबाद बस स्टैंड के पास की है। बारातियों से भरी बोलेरो सड़क किनारे खड़ी हाईवा से टकरा गई। हादसे में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों ने इलाज के ले जाने के समय दम तोड़ दिया। जब उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तब उन्होंने दम तोड़ दिया। सभी बाराती शादी समारोह में शामिल होने के बाद गढ़वा लौट रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, क्या है पूरा मामला? बेल्लोरो और हाईवा की टक्कर हुई थी, अब क्या है पूरा, क्या स्थिति है अभी पूरी? बिल्कुल, 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जो परिवार के लोग हैं उन्हें नगर थाने की पुलिस ने सूचना दे दी है। यहाँ जमहोर में बारात के लिए एक शादी समारोह में लोग आए थे और यहाँ जैसे ही वो बोलेरो लेकर NH 139 के पास पहुंचे, उनकी बोलेरो अनियंत्रित हो गई और सामने खड़ी हाईवा में जोरदार टक्कर हुई, जिससे कि 3 बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत काफी गंभीर अवस्था में उन्हें गया इलाज के लिए रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही 2 बारातियों की और कुल मिलाकर 5 की मौत हो गई है। जी, आप इस खबर पर मनीष बने रहिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली खबर जमुई से आ रही है। जमुई में शादी का उत्साह उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब दरवाजे लगने के समय डांस के दौरान एक बेलगाम ट्रक ने बच्चे को कुचल डाला। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद बारातियों ने पीछा कर ट्रक और ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। घटना झाझा थाने के बरानी गांव की है, जहां DJ के म्यूजिक पर बाराती डांस कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने 12 साल के सन्नी को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। लोगों के हंगामे की सूचना पर SP जयकांत मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। बच्चा बाराती में आया हुआ था रात को, तो बराती मिलन के समय रोड पे बराती लोग जा रहे थे, इसलिए पीछे से ट्रक आई और बच्चे को चापते हुए निकल। क्या ट्रक बहुत तेज गति से जा रही थी? हाँ, ट्रक बहुत तेज गति से थी। मिनिमम जेल प्रशासन पर लगाया है मारपीट का आरोप। लखीसराय से ये खबर आ रही है, जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया है कैदियों ने। ये लखीसराय मंडल कारा से ये खबर आ रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं।
मनोज, और क्या क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, लखीसराय मंडल कारा में कैदी जो है अनशन पर बैठ गए हैं। वो एक विनोद कोरा है, उनके साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी मारपीट किया गया है। उन्हीं के विरोध में मंडल कारा में जितने भी कैदी बंद है सारे अनशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि अभी डीएसपी, डीएम, एसपी और डीएसपी सभी जो पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी अंदर गए हैं और काफी डंडा और काफी पुलिस का मात्रा देखा जा रहा है और अंदर में सारे कैदियों के साथ जो है बैठ के बात हो रही है। जी, तो मारपीट के विरोध में मनोज ये अनशन शुरू हुआ था, तो क्या कैदियों, जब प्रशासन वहां पर पहुंची है तो क्या कैदियों को समझाया जा सका है? क्या उन दोनों के बीच जो एक डेडलॉक था वो टूट पाया है कि नहीं अभी तक? जी, प्रशासन अंदर पहुंचे हैं और जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लग रहा है कैदियों के द्वारा और प्रशासन समझाने में जुटे हुए हैं। प्रशासन ये समझा रहे हैं कि जिन कैदियों को मारपीट किया गया है, जो प्रशासन जो एएसपी अभियान रजनीश कुमार है, जो विनोद कोरा को मारपीट किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कैदी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है और जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। जी, यानी मौखिक आश्वासन पर कैदी मानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी सीधी मांग है कि रजनीश कुमार को हटाया जाए। ये मनोज, अगर इस मामले की पूरी समझ को हम देखें तो ये मामला इस तरह से आ रहा है कि वो रजनीश कुमार को, कैदियों की सीधी मांग है कि कैदी चाहते हैं कि रजनीश कुमार जिन्होंने मारपीट की उन्हें ये वहां से हटाया जाए, तभी हम अनशन समाप्त करेंगे। कैदी का मांग है कि जो अभियान है रजनीश कुमार, उनको हटाया जाए क्योंकि उनके द्वारा कैदियों को बराबर मारपीट किया जाता है। जी, आ रही है जहां प्रेम प्रसंग मामले में छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। ये घटना शेरघाटी इलाके की है, ये घटना शेरघाटी थाने इलाके की है, गया में शेरघाटी थाने इलाके की यह घटना जहां प्रेम प्रसंग में छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। शेरघाटी थाने का ये मामला है जहां जहर खाकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। प्रेम प्रसंग का यह मामला दिख रहा है, प्रेम प्रसंग में छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है छात्रा ने, शेरघाटी थाना का ये मामला है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश। राकेश, और क्या क्या पुलिस जो है तफ्तीश कर रही होगी, मामला भी दर्ज हुआ है, क्या क्या और कुछ क्या मामला खुल कर आ रहा है? एक तो प्रेम प्रसंग का आ रहा है, तो क्या इसमें क्यों इस तरह के हुआ कि उसे, उस लड़की को खुदकुशी करना पड़ा? पुलिस किस एंगल पर जांच कर रही है? जी, आपको बता दूं, ये घटना शेरघाटी के लिपगंज तक की मौने की घटना है जहाँ छात्रा ने, लड़की ने जहर खान खुदकुशी कर ली है। मामला बता रही है, प्रेम प्रसंग का मामला है। पुलिस इस पर जांच कर, लड़की को पोस्टमार्टम के लिए गया, भेज दिया गया है। जी नहीं, राकेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, जो गया से ये मामला है जहाँ जहर खाकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली है, और ये मामला गया से थे, प्रेम प्रसंग का मामला है जहां छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। अगली खबर दरभंगा से है जहां डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस संचालक के साथ विवाद के बाद जूनियर डॉक्टर हंगामा करने लगे। पीजी छात्रों ने इमरजेंसी सेवा में लगे एम्बुलेंस को भी ईंट पत्थर से कुचल कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि पुलिस के आने के बाद स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। बता दें कि डीएमसीएच के पीजी छात्र पहले भी मरीजों के परिजनों पर मारपीट, कभी स्थानीय लोगों से तकरार तो कभी जूनियर से रैगिंग लेकर विवादों में रहे हैं। हालांकि हालिया घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी भारी गुस्सा है और वो लोग एम्बुलेंस संचालक के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। ये मामला जो आ रहा है दरभंगा से, जहां पीजी छात्रों ने एम्बुलेंस को क्षतिग्रस्त कर दिया है, पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। पहले में भी काफी विवादों में रहा है डीएमसीएच, यहां के जूनियर डॉक्टरों भी अब हंगामा कर रहे हैं। एम्बुलेंस संचालक के साथ विवाद के बाद ये हंगामा हुआ है, एम्बुलेंस के को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घर की ओर जा रहे हैं कि हमको, हमारा भतीजा जो है फोन करके बोल रहा है कि कुछ आदमी जो है गाड़ी का शीशा वगैरह फोड़ रहा है,
तो बाद में हमको पता चला कि ये सारा डीएमसीएच के पीजी है। हमारा पूरा आया है हॉकी स्टिक से, पूरा इमरजेंसी से भी पीजी लोग आया है और पूरा ईंटा उटा के साथ जो है पूरा है और गाली उली भी दिया, बोला ड्राइवर बुलाओ नहीं तो हम आग लगा देंगे गाड़ी में। लगभग 25-30 की संख्या में थे। एम्बुलेंस उधर से आ रहे थे, नाका नंबर 6 के निकट जो है डीएमसीएच के चालक और पीजी के स्टूडेंट के बीच कुछ रास्ते पर मैंने विवाद हुआ। इसी विवाद में फिर कुछ झंझट आगे बढ़ गया जिसके चलते फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और उसकी छानबीन की। अभी क्या स्थिति? अभी स्थिति सामान्य। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां के सूर्या क्लिनिक नर्सिंग सेंटर से 6 महीने की एक बच्चे की, माफ कीजिएगा, बच्ची की चोरी का मामला सामने आया है। रेड लाइट इलाके में सूर्या क्लिनिक से बच्ची की चोरी की घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। इस बीच एसएसपी के आदेश पर देर रात तक 2 थानों की पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। बताया जाता है कि उषा देवी नाम की महिला सूर्या नर्सिंग सेंटर में बंध्याकरण के लिए आई थी। उसके साथ उसकी सास और उषा की 6 महीने की बच्ची भी थी। उषा ऑपरेशन के बाद बेहोश थी। इसी बीच बच्ची की दादी ने उषा को संभालने के दौरान बच्ची को अन्य दूसरे युवक को दे दिया। बच्ची रो रही थी और उसे बहलाने का बहाना बनाते हुए चोर बच्ची को लेकर फरार हो गया। बच्चा गायब होने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर से कई बच्चे अस्पताल से गायब हो चुके हैं। फिलहाल एसएसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेड लाइट इलाके के नर्सिंग होम से बच्ची के गायब होने को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो यहाँ के लोकल, यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं उन सबको बुलाया गया है। कुछ लोग घर जा रहे थे, उनको सारे को निर्देश दिया गया कि सभी लोग उपस्थित हो, और आसपास के लोग मोहल्ले में भी हमने अपने पदाधिकारी को भेजा है इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए। तो इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। नहीं, बिल्कुल, इसके लिए हम लोग हमेशा से, इसलिए पुलिस की ये तत्परता है कि बच्चे, जो भी बच्चे गायब हैं वो मिल जा रहे हैं और ये भी बच्चे मिल जाएंगे, बस हम लोग अपने काम कर रहे हैं। क्या कहा, कैसे दीजिए, बजा देते हैं, चुप करा देते हैं, देखिए मर्जी के। तो हम कहा कि सही में कि स्टाफ ओखड़ी से गेट खुलता रहा था, बंद करता रहा था। तो हम कहीं कैसे सही में कि स्टाफ है तो मांगना है, कोई आदमी मांगता है तो खिलाने के लिए तो क्या होगा। तो धड़ा का हम मरीज के देखे आया था, गया है ताले नहीं रहा है। इस पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं अरुण श्रीवास्तव। अरुण, क्या इस मामले में अब पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है? क्या इस मामले में जिस युवक की तलाश की जा रही है उसका कुछ सुराग मिल पाया है? अरुण, बच्ची के गायब होने का मामला है, ये बड़ा मामला है। जी बिल्कुल, मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर के कई अस्पतालों से बच्चे गायब हुए, हालांकि पुलिस को कामयाबी मिलती है बच्चे के गायब होने के बाद। ये बच्चा चूंकि रेड लाइट इलाके से गायब हुआ है और बच्ची है, और जो साथी ने जो चोर बच्चे को गायब किया है वो इससे पहले एक छोटा बच्चा को ले गया और उसके बाद फिर उसे परिजन को वापस कर दिया, उसके बाद इस बच्ची को ले गया है। इसलिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और मुजफ्फरपुर के एसएसपी रंजीत मिश्रा जो है सीतामढ़ी पुलिस से संपर्क में है और पुलिस ये शंका जाहिर कर रही है कि हो सकता है कि रेड लाइट इलाके से सीतामढ़ी के रेड लाइट इलाके में इस बच्ची को भेज दिया गया हो, इसलिए वहां भी छापेमारी की जा रही है। जी मतलब क्या ये समझा जाए अरुण कि ये कुछ मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है कि बच्ची को गायब किया जाए? पहले मुजफ्फरपुर रेड लाइट से ये बच्ची गायब होती है, फिर सुराग ये मिल रहा है कि उसे सीतामढ़ी रेड लाइट एरिया में ले जाया जा रहा है। जो अभी तक पुलिस से जो आपकी सारी बातचीत हो रही है, जो आपसे जानकारी उनसे मिल के आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये खरीद फरोख्त का भी मामला हो सकता है बच्ची को गायब करने के लिए? जी बिल्कुल, जो बच्चा को गायब किया जिस युवक ने, 20 से 15 वर्ष के बीच का युवक था वो, और वो बच्चा गायब किया, वो बच्चा गायब करने से पूर्व वो एक लड़के को ले गया था और वो जब देखा कि वो लड़का है उसके बाद फिर बच्ची को ले जा रही है, लड़की को ले गया। ऐसे में पुलिस शंका जाहिर कर रही है, पूरी तरह से मानव तस्करी से मामला जुड़ा हुआ है और खास करके रेड लाइट इलाका में सूर्या ये क्लिनिक है और वहां से बच्ची गायब हो रही है, इसलिए पुलिस के होश उड़े हुए हैं। पूरी रात एसएसपी जगे हुए हैं और लगातार जो है सीतामढ़ी एसपी से संपर्क किया गया है और लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। जी अरुण, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर गड़ाए रखिए, मामला बड़ा है, क्योंकि बच्ची के
के गायब होने से लेकर फिर उसे सीतामढ़ी तक ले जाने तक का मामला, ये काफी गंभीर मामला है, मानव तस्करी से भी जुड़ा हो सकता है, तो आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। अगली खबर पटना से आ रही है। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक चल रही है। यह बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले यह बैठक है। 16वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र 30 नवंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दो दिन यानी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को राज्यपाल रामनाथ कोविंद विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। दोनों सदनों की बैठक 8 दिसंबर तक चलेगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट में सत्र और उसके मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, मतलब कैबिनेट नीतीश कैबिनेट की बैठक चल रही है। और ये जो है पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक चल रही है, बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें 3 दिसंबर को राज्यपाल रामनाथ कोविंद का विधानसभा सत्र को वो संबोधित करेंगे। 30 नवंबर से रामनाथ कोविंद जो है वो 30 नवंबर से शुरू हो रहा है सत्र, तो वो जो है सत्र को संबोधित भी करेंगे राज्यपाल। अभी जो ये बैठक चल रही है शीतकालीन सबसे पहले नीतीश कैबिनेट की ये बैठक चल रही है। 30 नवंबर से शुरू हो रहा है विधानमंडल का सत्र और ये दोनों सदनों की बैठक 8 दिसंबर तक चलेगी, जो संयुक्त सत्र होगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित, क्या क्या बैठक हो रही है नीतीश कैबिनेट की, किन किन एजेंडों के बारे में जानकारी मिली है आपको, क्या क्या चीजें जो है सामने आपके सामने खुलकर आ रहा है? अमित, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम तुरंत उनके पास फिर लौटने की कोशिश करेंगे। उनका फोन शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम उनसे फिर से बात करेंगे। ठीक है, अगली खबर झारखंड से। झारखंड में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूबे के 23 जिलों के कुल 74 प्रखंडों में शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। रांची के 4 प्रखंडों में भी वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कमर कस ली है। रांची के मोहराबादी मैदान से मतदान कर्मियों और पुलिस बल की रवानगी की गई, जिसका जायजा लिया हमारे जी मीडिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। कल सुबह से ही मतदान शुरू होगा। इस वक्त हम झारखंड के मोरहाबादी मैदान में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम जो मतदान कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनकी रवानगी सुबह से ही जारी है। ये सिल्ली प्रखंड में जाएगा। रांची के कुल 4 प्रखंडों में भी कल चुनाव होने हैं, दूसरे चरण में चुनाव होंगे। राज्य के करीब 23 जिलों के 74 प्रखंडों में कल वोट डाले जाएंगे और 49 लाख के करीब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 40,000 के करीब उम्मीदवार हैं और 55,000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से जितने भी मतदान कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। 4 प्रखंडों में भी चुनाव होना है। हमारे साथ जिला परिवहन पदाधिकारी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ हैं और कितने पुलिस पार्टी को भेजे गए हैं, कितनी गाड़ियाँ अभी तक रवानगी हो चुकी है। देखिए, रांची जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 का यह द्वितीय फेज है। कल चुनाव होना है, कास्टिंग वोट का कल होगा, लेकिन उसकी तैयारी हम लोग कल ही कर दिए थे। वाहन कोषांग का, मैं वाहन कोषांग का प्रभारी हूँ, नागेंद्र पासवान, जिला परिवहन पदाधिकारी रांची। हम लोग 365 गाड़ी का अधिग्रहण हम लोग किए हुए थे, जिसमें पोलिंग पार्टी और पेट्रोलिंग पार्टी के लिए हम लोग यहीं से गाड़ी टैग कर दिए।
और सभी वाहनों में सभी वाहन चालकों के को हम लोगों ने खुराकी दे दिया और ईंधन दे दिया। कल से रेडी था, आज आदेश था जिला प्रशासन का कि सुबह 6 बजे से ही हम लोग सभी पार्टियों को यहां से डिस्पैच करेंगे, तो उसके आलोक में सभी लोग सुबह 6 बजे से आना शुरू किया और सभी गाड़ी में हम लोगों ने उसको टैग करा के सबको संबंधित प्रखंडों को हम लोग रवाना कर दिए। आप समझ सकते हैं कि गाँव की सरकार चुनने की फिर से एक बार बारी है और कल दूसरे चरण का मतदान भी होगा। झारखंड में ये ज़रूरी हो जाता है, चूँकि विकास को लेकर जब भी बात होती है, झारखंड चूँकि आज भी पिछड़ा हुआ है, इसलिए गांव की सरकार पर लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस है। पिछली बार पिछले जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इस बार भी प्रशासन की तरफ से ये कोशिश है कि शांतिपूर्ण मतदान किया जाए। हालांकि कई ऐसे प्रखंड हैं, कई ऐसे पंचायत हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि नक्सली जो इलाके हैं उसमें पंचायत चुनाव कितना शांतिपूर्ण हो पाता है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गढ़वा में भी सुरक्षा चाक चौबंद है। 28 नवंबर को दूसरे चरण में गढ़वा के 6 ब्लॉक में मतदान होना है। मतदान के दिन कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सीआरपीएफ ने ऑपरेशन पंचायत अभियान चलाया। सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट ने खुद इसका नेतृत्व किया। ऑपरेशन पंचायत में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे ब्लॉक धुरकी के जंगलों के सभी बूथों का जायजा लिया गया। इस ऑपरेशन का मकसद शांतिपूर्ण मतदान कराना है। अगली खबर रांची से। धोनी के पिता से मिले फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने मुलाकात की है। दोनों एक ही लुक में नजर आए, पान सिंह और अनुपम खेर। दरअसल धोनी पर एक फिल्म बन रही है और इसके लिए शूटिंग में है के लिए रांची में अनुपम खेर आए हुए हैं। अनुपम खेर इस पिक्चर में धोनी के पिता का रोल कर रहे हैं और जो पान सिंह और अनुपम खेर, ये दोनों को जो लुक जो है बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है, एक तरह का ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जो धोनी पर पिक्चर बन रही है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत जो है मेन लीड पे हैं, उनमें अनुपम खेर जो है धोनी के पिता यानी पान सिंह का रोल कर रहे हैं। भारत और जीत के बीच अमला और डुप्लेसिस जम गए हैं। जो टेस्ट चल रहा है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, दोनों ने 5वें विकेट की साझेदारी में 50 से ज्यादा रन जोड़ दिए हैं। मैच की सबसे बड़ी ये साझेदारी है। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका का अभी जो फिलहाल जानकारी आ रही है वो स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर 111 रन। आपको बता दें साउथ अफ्रीका के सामने 310 रन का लक्ष्य है और भारत अगर यहाँ ये टेस्ट मैच जीतता है तो वो सीरीज पर भी सील करेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। जी पुरवैया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत।